बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने वर्ग पाँच को पाठ चार हामिद खां पाठ पढ़ाया था और आज उसका प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं। इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है एसके पोट्टेकाट। प्रश्न नंबर दो, यह कहानी मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? उत्तर है मलयालम भाषा में। प्रश्न नंबर तीन, इस कहानी में क्या संदेश दिया गया है? उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता। प्रश्न नंबर चार, इस कहानी में किस स्थान का वर्णन है? उत्तर है तक्षशिला पाकिस्तान। लिखित प्रश्न में चलते हैं अब। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर एक है, लेखक समाचार पत्र में किस घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था और क्यों? उत्तर है लेखक समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी की घटना पढ़कर विचलित हो उठा था क्योंकि उस आगजनी में हामिद खां की दुकान को कोई क्षति न हो जाए। दो, लेखक दो साल पहले कहाँ और क्यों गया था? उत्तर है लेखक दो साल पहले तक्षशिला पाकिस्तान वहाँ के पौराणिक खंडहर देखने गया था। प्रश्न नंबर तीन, वहाँ स्टेशन से उतरकर लेखक जिस गांव की ओर गया वहाँ के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है वहाँ स्टेशन से उतरकर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव की ओर गया जहाँ उसने हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार देखा जहाँ उनकी नज़र पड़ी वहाँ धुआं गंदगी और मच्छर से भरी जगह थी। कहीं कहीं तो सरे हुए चमड़े की बदबू ने उनका स्वागत किया। प्रश्न नंबर चार, लेखक एक दुकान में क्यों गया? वहाँ उसने क्या देखा? उत्तर है लेखक एक दुकान में होटल खोजते हुए गए तथा वहाँ उसने चपातियाँ सेकते हुए देखा। प्रश्न नंबर पाँच, हामिद खां के पूछने पर लेखक ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? उत्तर है हामिद खां के पूछने पर लेखक ने कहा, मैं मालाबार का रहने वाला तथा एक हिंदू घर में जन्म लिया हूँ। प्रश्न छः, हामिद खां लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था? अविश्वास का कारण क्या था? उत्तर है हामिद खां लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई हिंदू मुसलमानी होटल में खाना कैसे खा सकता है। अविश्वास का कारण यह था कि हामिद खां के यहाँ हिंदू मुसलमान में आपसी प्रेम नहीं था। प्रश्न नंबर सात, लेखक ने हामिद खां को अपने यहाँ की वे कौन कौन सी बातें बताई जिनसे वह वहाँ के हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को स्पष्ट कर सका? उत्तर है लेखक ने हामिद खां को अपने यहाँ की वे निम्नलिखित बातें बताई जिनसे वह वहाँ के हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को स्पष्ट कर सका। हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच
दंगे नहीं के बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 8, तक्षशिला में हिंदू मुसलमानों की दशा का वर्णन हामिद खान ने किन शब्दों में किया? उत्तर है, हामिद खान ने तक्षशिला में हिंदू मुसलमानों की दशा का वर्णन करते हुए कहा, हिंदुओं की नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं, हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। प्रश्न नंबर 9, हामिद खान ने लेखक के खाने के पैसे न लेकर अपनी किस भावना का परिचय दिया? उत्तर है, लेखक से खाने के पैसे न लेकर हामिद खान ने अपनी अतिथि सत्कार की भावना का परिचय दिया। प्रश्न नंबर 10, यह कहानी क्या संदेश देती है? इस संदेश को किस रूप में अपनाना चाहिए? उत्तर है, यह कहानी हमें हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सहयोग एवं भाईचारे का संदेश देती है। इस संदेश को हम आपस में भाईचारे बनाकर रखने तथा बिना जाति धर्म का भेदभाव किए आपसी सहयोग एवं एकता बनाकर अपना सकते हैं। लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर आपका ख़त्म हो गया। अब चलते हैं वैकल्पिक प्रश्न के बारे में। वैकल्पिक प्रश्न में है, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाना है, जिसमें पहला है, इस कहानी में जिस तक्षशिला का वर्णन है वह किस देश में है? उत्तर है, पाकिस्तान में। 2 नंबर, भारत में मुसलमानों ने पहली मस्जिद कहाँ बनवाई? तो उत्तर है, कोडुंगल्लूर में। 3 है, हुक्का गुरगुराने वाला व्यक्ति कौन था? उसका सही उत्तर है, हामिद खां का अब्बा। उसके आगे का प्रश्न है, बताओ किसने किससे कहा? तो इसमें एक बॉक्स में कथन है, दूसरा में किसने कहा, तीसरा में किससे कहा। कह है, खाने को कुछ मिलेगा, लेखक ने कहा हामिद खां से। आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे, हामिद खां ने कहा लेखक से। अगला है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं, लेखक ने कहा हामिद खां से। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद खान ने कहा लेखक से। अंतिम है, भाईजान माफ़ कीजिएगा पैसा नहीं लूँगा, हामिद खान ने कहा लेखक से। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में है, सबसे पहले, लंबे कद के डैश अपनी सहज डैश चाल में चलते हुए नज़र आ रहे थे। पहला में भरेगा पठान, दूसरा में अलमस्त। भारत में मुसलमानों ने पहली मस्जिद डैश में बनाई, तो इसमें भराया कोडुंगल्लूर। हामिद ने डैश भाषा में कुछ आदेश दिया, इसमें भराएगा पश्तो। 4 नंबर में, हामिद ने वह डैश लेकर मेरे हाथ में रख दिया, तो उसमें भराएगा रुपया। अब है भाषा की बात। भाषा की बात व्याकरण से संबंधित है, इसमें शब्द दिया हुआ है, मूल शब्द निकालना है और प्रत्यय बताना है। पौराणिक का मूल शब्द पुराण है, पुराण, और इसमें प्रत्यय है एक। गोलाकार में गोला शब्द है या गोल शब्द है, इसमें आकार या कार प्रत्यय लिख सकते हैं। मुस्कुराहट में मुस्कुराना शब्द है, आहट इसका प्रत्यय है। मुसलमानी में मुसलमान मूल शब्द है और ई इसका प्रत्यय है। सच्चाई में सच्चा मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। उसके आगे है प्रश्न नंबर 2, ये उर्दू शब्द दिए हुए हैं, इसका हिंदी पर्याय लिखकर इसका वाक्य बनाना है। वाक्य आप स्वयं बनाएंगे, जैसे फख्र है उसका उत्तर है गर्व,
यकीन उसका अर्थ है विश्वास, मोहब्बत प्यार, मुल्क देश, फक्र अंतर। इसे आपको वाक बनाना है या खुद से बनाएंगे। उसके बाद है बहुवचन बनाना। बहुवचन बनाना, एक वचन में दिया हुआ है उसको बहुवचन में बनाना है। जैसे होटल का होटलों, दुकानदार का दुकानदारों, चपाती का चपातियाँ, रुपया का रुपये। अब अंतिम प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक भेद बताइए। तो पहला है इसमें, मैं चाहता हूँ कि वह रुपया आप ही के हाथों में रहे, यह मिश्रित वाक है। आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, यह सरल वाक है। मैं एक दुकान में घुस गया और वहाँ खाना खाने लगा, संयुक्त वाक है। मैं हामिद के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, यह सरल वाक है। इस तरह से आपका ये प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। और इस पाठ चार का प्रश्नोत्तर आप लोग अपने फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर एवं शुद्ध शुद्ध लिखावट में लिखेंगे, और मैसेज जैसे ही जाएगा आप अपने फेयर कॉपी के स्कूल में सबमिट कर देंगे। थैंक यू।